सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की इस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें से पहले आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उनकी दूसरी फिल्म है सालार, लेकिन आज हम बात सालार की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में, जो की एक मेगा बजट साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। साथ ही इस फिल्म में बॉलीवुड और टॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में मेकर्स की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो एक व्हील बना रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म टाइम ट्रैवल पर बेस्ड होने वाली है। शायद ऐसा ही कुछ एलिमेंट इस वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। इसी के साथ एक और धमाकेदार अपडेट ये है कि फिल्म में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड की लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण भी फिल्म में नजर आने वाली है। इसके अलावा डुलकर, सलमान, सुरिया, दिशा पाटनी, महेश बाबू का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है। साथ ही फिल्म का शूट भी शुरू हो चुका है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है साउथ के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक नाग अश्विन जी। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो ये एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है, जिसकी थीम टाइम ट्रैवल पर बेस्ड होगी, और ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मेगा बजट वाली फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है, और ये फिल्म अगले साल यानी 2024 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी प्रभास और दीपिका को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल अनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।